क्या होगा केजरीवाल का नया मकसद? क्या केजरीवाल बनेंगे हरियाणा के नए सीएम? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे केजरीवाल के अगले मकसद पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब नए मिशन पर निकलने वाले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने इसकी जानकारी दी। संदीप पाठक ने बताया कि 5 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल भाजपा की साजिशों से लड़के जेल से बाहर आ गए और हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए बिल्कुल तैयार है। वो शुक्रवार से अपने प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए क्या बोला संदीप पाठक ने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा का चुनाव 5 अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड है और आप लोगों को ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार पूरी ताकत से चुनाव हरियाणा में लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और चंगुल से बाहर आ गए और अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी का जो शेड्यूल है, कैंपेन का जो शेड्यूल है, उसका शुभारंभ हम कल से यानी कि 20 सितंबर से कर रहे हैं। 20 सितंबर को पहला रोड शो है जगाधरी विधानसभा से, उसके बाद दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रिवाड़ी, दादरी, असंत, बल्लभगढ़ और बादरा, इन सारी विधानसभाओं को कवर करेंगे। लगभग 13 इवेंट्स का शेड्यूल अभी बनाया है, 11 जिलों को कवर करेंगे। इसके बाद का शेड्यूल आने वाले कुछ दिनों में आपसे शेयर करेंगे। पाठक ने बताया कि अरविंद केजरीवाल 20 सितंबर को पहला रोड शो करेंगे। केजरीवाल का 13 रोड शो तय किए गए हैं जिसमें वो हरियाणा के 11 जिलों की विधानसभाओं को कवर करेंगे। हरियाणा में बदलाव और भाजपा की हार का दावा करते हुए पाठक ने कहा कि केजरीवाल आगे की योजना अगले कुछ दिनों के लिए तय करेंगे। पाठक ने कहा कि अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखेंगे तो इस बार भाजपा पूरी तरह से वहां हार रही है। पिछले 10 साल से वहां भाजपा की सरकार चल रही है। जनता को तो छोड़ दो, भाजपा को खुद तक यकीन नहीं है, इसलिए आखिरी साल में मुख्यमंत्री को ही बदल दिया। प्रश्न तो बनता है कि आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जिस तरीके से इन्होंने किसानों, जवानों का अपमान किया, माताओं और बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उससे भाजपा को तो खुद ही भान है कि इस बार वो जाने वाली है। आप नेता ने कहा कि भाजपा जा रही है और बदलाव आ रहा है, तो इस बड़ा प्रश्न ये है कि जनता किसको मौका देगी, क्योंकि जनता ने सभी पार्टियों को वहां मौका दिया, लेकिन क्या इन पार्टियों ने उनके लिए काम किया? ऐसे में जनता अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी, क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार के कामकाज को देख रही है। एक सवाल के जवाब में पाठक ने यह भी कहा कि हमारा काम किसी पार्टी को नीचा दिखाना नहीं, चाहे जो पार्टी भी सामने आएगी हम उससे लड़ेंगे। हमारा मुद्दा स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी और महिलाओं का मान सम्मान करना है। हम इन मुद्दों के साथ जनता में जाएंगे। अब जनता को तय करना होगा कि किसके साथ जाएगी। हमें अपने धर्म निभाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का मॉडल काम करेगा या फिर किसी और का दांव चल जाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।